कैसे हो भाई सारे के सारे। आज मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग हो रही है, एंड गुड इवनिंग भी छोटे भाई के साथ हो रही है बेटा। यार बैठे बैठे थे, छुट्टी थी आज कॉलेज की, गाड़ी में लगे हुए थे। जैसे व्लॉग्स पहले देखे होंगे, सॉरी याद आया मेरे को, मैंने अपलोड नहीं कर रखे वो उस वीडियो। जैसे मैं दूसरे चैनल पे आएगी ना उसके साथ आएगी, तो ये वाला व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, संडे आज। क्या हुआ यार, मतलब कि बैठे थे, बारिश आ रही है, बारिश भी दिखाता हूँ। फिर देखो सफोकेशन हो रही है यार, ये देखो हम काम करने लग रहे, सारा सामान पड़ा है। यार जैसे अभी हम आए थे ना, तो बारिश से पहले हमने चालू करे, सॉन्ग्स वगैरह चलाए। पीछे तो बेस रख दिया हमने, बड़े वाला, जो बड़े वाला स्पीकर होता है, आगे के थोड़े पुराने हैं। हमने क्या किया, हम कुछ स्पीकर्स लेके आए हैं। जैसे ये पड़े मेरे पास पड़े थे, मेरे को याद आ गया यार ये स्पीकर्स भी मेरे पास पड़े हैं। तो मैं इसको बोला, मैं नोनी चल यार देखते हैं कि चलते हैं नहीं चलते। आ गए हम। उसके बाद में बोला मैं चल यार एक ब्लॉग भी बना लेते हैं, फैमिली को भी दिखाते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। क्या लग रहा है तेरे को, चलेंगे नहीं चलेंगे? मुश्किल है, एक चलेगा। इधर बोल ना, उधर से बोल रहा है, बताओ। मुश्किल ही वाला चलेगा, बस यही चलेगा। और तू ढूंढ क्या रहा है? मैं पेचकस पेचकस ढूंढ रहा हूँ। तूने खुला पड़ा है, देख सुन, तेरे चरणों में पड़ा है। एक मिनट रुकना यार, तेरे चरणों में पड़ा है पेचकस, मिल गया। वो अभी मत खोल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा वो, उसको पकड़ के खोलना पड़ेगा, रुक जा। एक्चुअली बात क्या है, जो स्पीकर्स हैं ये 2010-11 में लगे थे। अब उस समय की क्वालिटी और आज की क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ गया। पहले बेस होता था कि आज तो क्या बताएं यार, बेस क्यों इन्होंने। और इसको तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स पसंद है मार धाड़ के, जो मैं भी नहीं सुनता, ठीक है। मैं भाई यार हमने ठीक ठाक सॉन्ग सुनता मूड के ऊपर, बट ये तो हमेशा मार धाड़ के सुनता है। हाँ, एक सिस्टम का बड़ा फैन है मेरी तरह, इसने मेरे को भी सिस्टम का फैन बना दिया। एल्विश भाई, हैट्स ऑफ यू यार, क्योंकि पूरी टीम, बल्कि हम पूरी टीम की, एल्विश भाई की पूरी टीम के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। क्यों भाई, बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। एंड हमने क्या किया, बारिश आ रही थी ना, तो हाथ में तो ला नहीं सकते, अच्छा नहीं था सोसाइटी में। रिच लुक के थैले में हम स्पीकर्स लेके आए, अभी आपको दिखाता हूँ यार स्पीकर्स कितने सारे। एक हॉर्न रहा भाई साहब, हमारे स्पीकर्स ले बैठे हैं। एक इधर है स्पीकर और एक ये रहा, अब इनको खोल के करना है। और प्लॉट में देखो बारिश आ रही है बाहर, ये बेचारा सूख गया ठंड के चक्कर में। एंड ये देखो कितना पड़े पुराने, वो पड़ी है किट जिसमें लगते थे। हमने अभी ये वाले लगा दिए, ये वाला स्पीकर देखो, दिख रहा होगा आपको ये रहा। एंड इसके सामने की एरी स्क्रीन, मतलब धीरे धीरे काम हो रहा है। सबसे पहले ये लगा लेते हैं और खोल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बट उससे पहले एक बार साउंड जो है ना वो चेक करेंगे हम इनको लगा के, फिर आपको भी दिखाएंगे। फैमिली यार, अब इसमें स्पीकर्स में तार जोड़ रहा हूँ, एंड जो लगा हुआ था वो ये वाला है। देखिए क्वालिटी कितनी बढ़िया है यार इसकी, मतलब ये हैवी वेट है, लाइट वेट है, बट स्टिल मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या पता काम अच्छा कर दे। तो एक बार स्पीकर्स के तार जोड़ के देखता हूँ होता है नहीं होता, उसके बाद बताते हैं आपको भी, रिव्यू देंगे क्या है क्या नहीं है। गाइस एक्चुअली बात क्या हुई कि जब हम स्पीकर्स लगा रहे थे तो यार ये कहना डैमेज हो गया, जिसको मैं यूज़ भी कर रहा था एक्चुअली ये रहा। इसे कुछ ज़्यादा वॉल्यूम में भगा लिया, तो अब ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो इसका एक दूसरा जोड़ीदार था वो तो मैंने लगा दिया, बट ये लग नहीं रहा, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चाबी चिपक गई इसके, इसके भी चिपकी हुई है चाबी, नट्स बोल्ट्स। ये वाला है, ठीक है। एंड ये दोनों मैंने निकाले हैं, ये घेरा ही देखो ये रखे दोनों। एंड जो दूसरा लगना था वो मैंने लगा दिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। फैमिली इधर ये लग चुका है, ये रहा अंदर, एंड अच्छे से लग चुका है देख लो। और ये पुराने वाले पड़े स्पीकर, हॉर्न जो मेरे को लेके जाने थे वो ये पड़े, एंड जैक वगैरह भी ऐसे पड़ा क्योंकि पेंट जॉब चल रहे, न्यूज़पेपर्स ऐसे ही पड़े हैं। मतलब ये जगह देखो, भाप भी जमने लग गई, जगह तो क्लियर नहीं हो रहा, पीछे का तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये रहा, ये देखो। एक्चुअली बात क्या थी, ओल्ड फैशन है, ब्लूटूथ लगवा दिया था, बट स्टिल ऑक्स के लिए तो काम बनता नहीं कि ब्लूटूथ का ज़माना है। मैंने क्या किया, थोड़ा अपग्रेड करने के लिए एक पीछे रख दिया, अब ये किया हो गया, एक हो गया। बट ये जो ये ख़राब हुआ है ना, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या तो इसको रिपेयर करेंगे, रिपेयर हो जाएगा तो सबसे बढ़िया बात है, अगर रिपेयर नहीं होता है तो इनमें से एक जोड़ीदार लगा देंगे बस यार। क्योंकि क्या करें बताओ, जब ये लग चुका है एक, मैंने लगा दिया, तो क्यों दोबारा मेहनत करनी, बात ये है। फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं, एंड ये देखो ये पड़ा सारा सामान, दिख गया होगा आपको ये रहा, सारे स्पीकर्स वगैरह एंड हॉर्न्स वगैरह सब पड़े हैं।
और घर पे आ गया मैं एंड थोड़ी लाइट सी कम लग रही है ना, एक्चुअली लाइट चली गई है, इन्वर्टर की लाइट चल रही है। बाहर का गेट खोल के मतलब बाहर बालकनी में दिखाता हूँ आपको कि बारिश कैसी आ रही है, क्योंकि गाड़ी में कुछ करने को ज़्यादा लायक था नहीं। एक स्पीकर की सोल्डरिंग ख़राब हो गई है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक मिनट, गेट खोल दिया, देखो लाइट थोड़ी बहुत आई एंड स्पीकर मिल गया सो एक्चुअली जो इसका ये वाली वायर है, देखो ये वाली, एक मिनट ऐसे नहीं दिख रही, अभी दिखाता हूँ। फैमिली जो इसकी ये वाली वायर है ना, देखो ये वाली, ये सोल्डर टूट चुकी है, ये वाली सही है एंड घर पे है। सो देख लो नेचर, पार की बारिश का मौसम, ये अपनी पारो खड़ी, वो अपनी जायरी खड़ा एंड वो अपनी ग्लैमर खड़ी, यानी कि विक्टर चेतक ग्लैमर i20 गाड़ी, अंदर स्विफ्ट एंड प्लॉट में वो खड़ी हमारी मारुति, वो बाहर आल्टो मारुति नहीं है वो। एंड देख लो गली में ना कोई है बंदा, ना बंदे की जात, कोई भी नहीं यार। तो अपनी हरियाणवी में हम नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली में कहते हैं कि ना यार गली में कोई बंदा दिख रहा है, ना बंदे की जात दिख रहा, वही वाला सिस्टम है। देखो अंदर एक लाइट जल रही है एंड बाहर कितनी रोशनी है। गेट बंद करके गया था मैं, एक्चुअली घर में कोई नहीं है एंड अब देखो बाहर रोशनी आई ना बाहर से अंदर, आते ही मन करके भूख लग गई, टोस्ट ये देखो खाने हैं भाई। यार मैं तो यहाँ से खिला नहीं सकता, बना लो और खा लो, सिंपल सी बात है। क्योंकि सो यार अभी ये सोच रहा हूँ कि ये स्पीकर को सोल्डर करा के यूज़ करूँ, या फिर ये छोटा भाई कह रहा है कि उसके पास एक स्पीकर पड़ा है कंप्यूटर वाला, वो मेरे को यूज़ में नहीं आता, उसमें बस तू दे दे वो मैं यूज़ कर लूँ। आगे क्या मेरी लग कई बार धप्पा कर देता है, पीछे डर लगता है उससे बहुत। एक्चुअली क्या है ना, छोटा है कुछ कह नहीं सकता, एडवांटेज लेता ही लेता है। सो एक बार रात को है ना बैठा बैठा बात कर रहा था फ़ोन पे, दोस्त से बात कर रहा था, तुम कहीं और चले जाओगे पहले बता दो, दोस्त से बात कर रहा था तो बात करने लग रहा था, तो जैसे ही आया मैं कमरे से बाहर निकला, एक सेकंड बूम, मैं ले भैया कर दिया काम, उसने बुक किया, मैं डर गया एंड उसके बाद फिर मैं यार जब से थोड़ा चौकन लगाने लग गया, कई बार डरा देता है, फिर वही बात है डांट सकता नहीं, छोटा है उसका एडवांटेज ले रहा है। सो यार वही बात है, छोटा है लाडला तो है ही। सो अभी यार गाइस कुछ और दिखाने को है नहीं, घर पे बस बोर हो रहा हूँ, ना लाइट ना कुछ, ना एडिटिंग कर सकता क्योंकि लाइट कम है, पीसी चलेगा नहीं एंड बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बारिश आ रही है, गाड़ी में काम कर नहीं सकते बोर, बारिश आ रही है, कुछ करने को है नहीं, अब बस खाली बैठे हैं, टाइम पास एंड टाइम पास। अब आप भी कहोगे तू हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, नोटी हो रहे हो तुम। चलो सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। मैं भी खा लेता हूँ टोस्ट और तुम भी बना के खा लो, बढ़िया बनेंगे, और घर पे मम्मी है तो मम्मी से बनवा लो, और कोई नहीं है खुद बना लो यार, इंडिपेंडेंट बनो। ओके टिल देन बाय बाय।